सत श्री अकाल मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी बेटा, अज आप हूँ पैस 2020 की तैयारी करते हुए पन्ना नंबर 30 तो 35 तक रिवाइज करांगे अपने, फिर उस तो बाद उदे नाल रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चंस जड़े ने वो करांगे। हुण आपां देखते हैं बराबर का कॉन्सैप्ट। इधर बेटा देखो, इस साइड किन्ने हाथ हैं? एक हाथ। इस साइड किन्ने हाथ हैं? एक हाथ। इसका मतलब यह दोनों बराबर हैं। जदों दोनों साइड के अंक बराबर होंगे हैं तो आप एक बराबर का साइन एक, ये दोनों बराबर हैं। जे आप होर देखिए बेटा, आप इधर उंगलियां गिनीए, एक दो तीन चार पाँच, किनिया उंगलियां ने? पाँच। इस हाथ दियाँ एक दो तीन चार पाँच, दोनों साइड ते उंगलियां बराबर हैं। पांच बराबर पांच। हुण बेटा आपां देखदे हां तारे गिणो इधर किन्ने है। एक दो, इधर दो तारे, इधर किन्ने तारे हैं? एक दो। दोनों साइड ते अंक बराबर हैं। जी बेटा हुण देखिए आप जीरो का कॉन्सैप्ट। इधर देखो, इधर इस डब्बे विच किन्ने तारे हैं? एक तारा। किन्ने तारे हैं? एक तारा। इस डब्बे विच कोई तारा है? नहीं, तो मतलब जीरो। जो साडे कोले कुछ नहीं हुंदा, जीरो। इस डब्बे विच साडे कोले किन्ने तारे हैं? दो। किन्ने तारे हैं? दो। और दूजे डब्बे विच, इस डब्बे विच कोई तारा है? नहीं, तो इसते मतलब इधर साडा की है? जीरो। जो साडे कोले कुछ भी नहीं हुंदा उदो असी की कहने हैं? जीरो। एक होर दा कॉन्सैप्ट, एक होर दा कॉन्सैप्ट वो किवें होएगा आपा एक कविता राही पहला तुहानू गा के दसदे हाँ। देखो, एक हरा तोता नच रहा सी, एक होर आ गया हो गए दो, दो हरे तोते सो रहे विच दिन, एक होर आ गया हो गए तीन, तीन हरे तोते उड़न नू सी त्यार, एक होर आ गया हो गए चार, चार हरे तोते नाच रहे विच जंज, एक होर आ गया हो गए पांच। देखिया बेटा किदा जदो साडे कोले एक एक संख्या वधदी जांदी है असी अपनी संख्या लड़ी विच भी उसे तरह अगे वधदे जांदे हाँ। इधर बिंदुआं वल देखो, एक बिंदु, एक बिंदु च एक होर बिंदु आ गया तो दो बिंदु, दो बिंदुआं दे विच एक होर बिंदु जोड़िया तो तीन बिंदु बने, तीन बिंदुआं च असी एक होर बिंदु जोड़िया तो चार बिंदु बने, चार बिंदुआं विच असी एक होर बिंदु जोड़िया तो पांच बिंदु बने। हाँ जी प्यारे बच्चियो, हुण आपां एक होर कॉन्सैप्ट कर रहे हाँ। एक चला गया, एक चला गया मतलब एक विचों कट दिता, एक नूं असी कट दिता। इहदे लई भी असी एक कविता बनाई है, ध्यान नाल सुनो तुसी। पांच कबूतर पेड़ ते कर रहे विचार, पांच कबूतर पेड़ ते कर रहे विचार, एक कबूतर उड़ गया बाकी रह गए चार, एक कबूतर उड़ गया बाकी रह गए चार, चार कबूतर पेड़ ते एक दूजे तो भिन्न, चार कबूतर पेड़ ते एक दूजे तो भिन्न, एक कबूतर उड़ गया बाकी रह गए तीन, एक कबूतर उड़ गया बाकी रह गए तीन, तीन कबूतर पेड़ ते खेड रहे सी ओ, तीन कबूतर पेड़ ते खेड रहे सी ओ, एक कबूतर उड़ गया बाकी रह गए दो, एक कबूतर उड़ गया बाकी रह गए दो, दो कबूतर पेड़ ते बैठे तान के हिक,
एक कबूतर उड़ गया, बाकी रह गया एक। एक कबूतर पेड़ ते बैठ गया बन हीरो, ओ भी उड़ के चला गया ते बाकी रह गया जीरो। हाँ जी बेटा, हुण तुहानू की समझ लग्या? एदे विच असी सिख्या है कि जे साडे कोले एक चीज होर आ जांदी है ता साडी संख्या जेड़ी है ओह वध जांदी है, पर जे साडे कोलो एक चीज चली जांदी है, असी विचो एक चीज घटा दिंदे हां ता साडी संख्या थल्ले आनी शुरू हो जांदी है, साडी संख्या लड़ी भी घटनी शुरू हो जांदी है। पांच चो एक गया चार, चार चो एक गया तीन, तीन चो एक गया दो, दो चो एक गया एक, एक चो एक गया जीरो। हाँ जी बेटा हुण वारी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दी। एदे विच की होएगा, तुहानू प्रश्न दिते गए हन, उस प्रश्न दिया नीचे तीन उत्तर दिते गए हन, उन्हां तिन्हां विचों तुसी दसना है केड़ा सही है। हुण देखो, दो जमा दो किन्ने हुंदे है, दो च दो जोड़े किन्ने हो गए, तीन होणगे, चार होणगे या फिर दो होणगे, किन्ने होणगे? चार। तां असी इत्थे चार लिखांगे अते बी दे उते टिक मारांगे। हुण देखो अगला सवाल, देखो बेटा, चार चो दो गए, दो कटणे है, दो कटाणे है, चार चो दो गए दो, बी उत्तर है, इत्थे असी दो लिखांगे। अगे छे च जीरो जोड़ी, छे च सिफर, सिफर जोड़ी, सिफर दा मतलब की हुंदा है? कुछ भी नहीं। छे च जीरो जोड़ी छे, इत्थे असी लिख दांगे छे। एदे विच बेटा आंसर्स थल्ले दित्ते गए हन, तुसी उन्हां दे विच्चों ही लभ के आंसर्स लिखणे हन। थैंक यू।